तीस। यहाँ का देखते हैं 35, ठीक है 32, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो मैंने पेस्ट लगाया है, ये पेस्ट कहाँ पे गायब हुआ? ये जहाँ जहाँ हिट है वहाँ वहाँ पे वोल्टेज है। ये हो गया 23, फिर 3, फिर 23, यानी 23 3 3। ये तीन तीन जो देख रहे हैं, 23 3, फिर 23, आज का ये डेट है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस व्हाट इज पावर ऑफ एनर्जी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज पावर ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैं एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति जो होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें हम दिखाने के लिए यहाँ पे एक इस्तेमाल कर रहे हैं टेस्टर का, जो है इंफ्रारेड बॉडी थर्मोमीटर। ये इंफ्रारेड, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये रिमोट में आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि ये आपके रिमोट में भी ये जो रेज आउट होता है, ये भी इंफ्रारेड किरण आउट होता है, यानी किरण जो है वो रेज है, रेज फोकस, जिसे आप मोबाइल के कैमरे से देख सकते हैं, इस कैमरे से इसके रेज को देख सकते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ से आउट होगा और इसी रेज से वो सेंस होता है क्या गर्मी, ये टम्परेचर। अब ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया, टम्परेचर यानी गर्मी को जो देखा जाएगा वो एक टम्परेचर सेंस करके देखा जाएगा, और उसका जो सेंसिंग करने का जो मेन सेंसर होगा वो होगा कौन सा? इंफ्रारेड रेज। उसी के द्वारा मतलब हीट को सेंस कर लिया जाएगा। अब देखिए, इसमें मोबाइल में भी आप देखते होंगे कि वो आता है रिमोट कंट्रोल, जैसे एम आई के सेट आते हैं, या कई एल जी के भी सेट मिले थे, और उसमें कई भी ऐसे मोबाइल सेटों में है जिसमें आप रिमोट का भी काम ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जिसमें ये यहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं, तभी उसमें जो है आप मोबाइल से अपने टीवी को या अपने एसी को, अपने घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर मोबाइल में ये IR रेज सिस्टम है। तो आपको यहाँ पे एक क्लियर हो गया होगा कि इस इंफ्रारेड के द्वारा हम हीट को भी सेंस कर सकते हैं, और इस इंफ्रारेड रेज के द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में जो रिमोट कंट्रोल होते हैं उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे जो इससे रेज निकल रही है, लेकिन हम यहाँ पे इसके इंफॉर्मेशन को इसके डिस्प्ले पर हम देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम अभी हम प्रूफ करते हैं प्रैक्टिकली से। देखिए यहाँ सबसे पहले आप देखें, मान लीजिए ऊर्जा शक्ति, ये मतलब व्हाट इज दिस एज ए हीट, ठीक। जहाँ जहाँ हीट है वहाँ वहाँ पे ऊर्जा है, ये क्लियर है? आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। जैसे अब किसी कोई कहे कि धूप में बहुत हीटिंग है, वहाँ पे ऊर्जा है, वहाँ पे ऊर्जा है, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए उस ऊर्जा को एक सोलर की ज़रूरत होगी। सोलर में जो हमारे फोटो सेल लगे होते हैं उसके द्वारा हम वहाँ पे उसके वोल्टेज को स्टोर कर लेते हैं, और वो वोल्टेज छोटे छोटे होते हैं वोल्टेज, और उसी को इकट्ठा करके हम बड़ा वोल्टेज कर लेते हैं सोलर पैनल के द्वारा, ठीक। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने ऊपर। जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि हमारा भी जो सिस्टम है, हम भी जो हैं एज ए पावर एनर्जी, और ये कैसे प्रूफ हो कि हाँ हम भी हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें, बात को ज़रा सा गहराई से समझें। जैसे आप यहाँ पर देखें, जैसे हमारा ब्रेन है दोनों साइड में, यहाँ पे बीच में देखिए हीटिंग होता है ना, जैसे मैंने कल बताया था,
तो यहाँ हीट है, यहाँ पे भी हीट है, यानी हमारी पूरी बॉडी आप कैसे पहचानते हैं कि हम हैं? यानी जब कोई, आप पहले बात को एकदम क्लियर समझें, आप हीट से ही तो पहचानते हैं, अगर बॉडी हीट है तो इसका मतलब हम हैं, और अगर बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई तो इसका मतलब हम नहीं हैं। ये चीज़ें एकदम स्पष्ट कर लीजिए, ये एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऊर्जा की बात कर रहे हैं, इसे आप बहुत ही और डीप से समझ सकते हैं। आप जैसे देखते हैं कि ठंडी में क्या होता है, कि ठंडी में हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे नीचे जब टेम्परेचर आउटसाइड होता है तब हम कुछ भी बोलते हैं, तो देखिए यहाँ से मुँह से भाप निकलते हैं, और यहाँ से भी जो धुआं जैसा भाप जैसा निकलता रहता है, और नाक से भी निकलते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ बोलते हैं या सांस हमारा होता है कनेक्शन, तो वो सब सारी चीज़ें आँख से दिखती हैं। वो कब दिखती हैं कि जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर से ये टेम्परेचर डाउन होता है आउटसाइड का, और जैसे जैसे आउटसाइड का टेम्परेचर हाई होता जाता है वैसे वैसे चीज़ें जो है हमारी गायब होती जाती हैं। ऐसा नहीं कि ये इस समय ये भाप भी निकल नहीं रहा, यानी ये वाष्प जो है, ये गर्मी जो स्टीम है, ऐसा नहीं कि ये नहीं निकल रहा है, निकल रहा है लेकिन दिखता नहीं। क्यों दिखता नहीं? कि एज ये टेम्परेचर हमारे सामने बराबर है इसलिए नहीं दिखता। अब इसका हम और एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आयरन है, आयरन देखिए यहाँ पे सप्लाई है, और पहले इसको हम दिखा दें, यहाँ पर देखें, यहाँ का इस डिस्प्ले पे देखें, हम इसे ऑन करते हैं, और अब ये देखिए कितना बताया, 24, ठीक है, इसका टेम्परेचर। अब इसी आयरन पे आते हैं, 117, ठीक, ये गर्मी है, इसमें हीटिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यहाँ पे इसे हीट जनरेट हो रहा है, जो कि अंदर इसके फिलामेंट लगा हुआ है और इसे सप्लाई यहाँ से दी जा रही है, ये हीट हुआ। बाहर का हीटिंग जो कि यहाँ का टेम्परेचर बता रहा है 22, 117, और ये इस जो हमारा सरफेस है यहाँ का जो है 22। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ अगर देखते हैं 30, यहाँ का देखते हैं 35, ठीक है, 32, 34, 35, 34, और ये 30, यानी 30, 32, 35, ठीक। अब नीचे का टेम्परेचर आप देख लीजिएगा। अब ये क्लियर है कि एज ए वोल्टेज हमारा भी जो सारा शरीर का सिस्टम है इसी वोल्टेज से काम करता है, और ये सब कुछ एक एनर्जी है। अगर ये एनर्जी ना होती तो यहाँ पे जो आप ऐसे कर रहे हैं, और यहाँ का ये टेम्परेचर बता रहा है IR से, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है, इसका भी टेम्परेचर बता रहा है, तो हर एक जगह हीट से ही तो क्लियर हो रहा है कि ऊर्जा है। अब यहाँ पर देखें हम, ये जो है 117 टेम्परेचर है। अब यहाँ पे एक पेस्ट हम यहाँ पे इसको लेते हैं, और ये जो पेस्ट है यहाँ पे आयरन पे लगाते हैं, देखिए ये आयरन पे लगा है। अब ये जो यहाँ पे जैसे धुआं निकल रहा हुआ है, ये जो वाष्प है, ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जो मैंने पेस्ट लगाया है, ये पेस्ट कहाँ पे गायब हुआ, ये अब यहाँ पे ये जो पेस्ट है ठंडा है और ये गर्म है, अब बताइए कि इसकी गर्मी घटी है कि ये, मतलब ये गायब हुआ है कि ये गायब हुआ है, क्योंकि ये तो आयरन है लेकिन हीट यहाँ पे है, और ये जो है पेस्ट जो है कुल एरिया या इसके साथ जो है गायब हो गया एक वाष्प के रूप में,
कन्वर्ट हो गया। आप कुछ समझे कि नहीं समझे? देखिए, ये जितनी भी हीटिंग है, कहने का मतलब जहाँ जहाँ हीट है वहाँ वहाँ पे वोल्टेज है, और मतलब वोल्टेज के कारण हीटिंग है। और हीटिंग का जो इशू है, जैसे मान लीजिए जो टेम्परेचर है, जैसे सब लोग बोलते हैं कि बेस्ट एनर्जी, स्टोर एनर्जी जो हमारा बैंक होता है, जैसे मतलब नाइट में हम जब सोते हैं तो उस समय हमारा जो बैटरी होता है उस समय चार्ज होता है, ठीक है, या जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है, उसके बाद हम उसे स्टोर करते हैं, जितने देर काम करने हैं उतने उसमें अपना खर्च करते हैं, जैसे जैसे खर्च करते हैं वैसे वैसे हमारी बैटरी डाउन होती जाती है। अब ये खर्च कहाँ से होता है, आप थोड़ा थोड़ा इससे ध्यान दें। खर्च मतलब ये होता है जितनी भी एनर्जी है हमारी, एक है ध्यान। ध्यान से मतलब ये हुआ कि जब आप कहीं भी देखते हो, कोई भी फॉल्ट ट्रेस आउट करते हो, कोई भी सर्किट देखते हो, कहीं भी ध्यान लगाते हो, चाहे जहां अदरवाइज कहीं भी एनी वे, अगर वहां पे आप ध्यान लगाते हो तो ऊर्जा वहां पे ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि उसी ध्यान के माध्यम से कनेक्ट हो जाती है। जैसे आप इसके IR से उस ऊर्जा को सेंस करते हो, कौन सा जो आउटसाइड है, तो ऐसे उसे देख तो सकते नहीं, लेकिन इसे IR रेज के द्वारा, यानी ये जो रेज है IR, ये भी एक आँख की तरीके से काम करता है। आप देखते होंगे कोई कोई कैमरा जो है आपके जब फोटो लेते हैं तो किसी किसी के आँख की जो इंटरनल आँख से जो रेज है वहाँ पर देखें, उस कैमरे में आपको किसी किसी के आँख की रेज अलग दिखाई देती है। उसे आर्टिफिशियल एक कवर किया जाता है कि जो वो चीज़ें ना दिखे, उसमें जो कैमरा भी एक आर्टिफिशियल बनाया जाता है कि जैसे आपके देखिए जो ओरिजिनलिटी है उसे फेस मतलब आर्टिफिशियल लुक बढ़िया आए, पिक्चर बढ़िया आए, फोटो बढ़िया आए, इसलिए कैमरे को भी उसी हिसाब से डिजाइन कर लिया जाता है, जिसमें उसके कंट्रास्ट और ब्राइटनेस लेवल को और उसके रेजुलेशन को कंट्रोल करके और आर्टिफिशियल कलर को भी जो है उसमें जो है अपने हिसाब से बना लिया जाता है, वो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा डिजाइन होता है। लेकिन जो ओरिजिनलिटी है वो ओरिजिनलिटी यही है कि हमको जो है वो सारी चीज़ें दिखती नहीं जो एक एनर्जी के रूप में है, लेकिन उसकी जो महसूस होने का जो हमको फीलिंग है वो चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं। ऐज जैसे मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर है, जब हीट होता है तो ट्रांसफार्मर को देखते हैं या उसके ऊपर बॉडी को छूते हैं तो वहाँ पे हमको हीटिंग आता है। तो हीटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी वोल्टेज एनर्जी कुछ है ऐसे, तभी वहाँ पे हीट है। तो एक चीज़ ये प्रूफ हो गया कि हमारा जब हीट रहेगी बॉडी तभी हम जिंदा हैं, अगर ये ठंडा है तो हम समाप्त हो गए, यानी एंड हो गया, कनेक्शन कट गया। तो यहाँ पे भी यही कनेक्शन ये है तभी इसमें हीटिंग है, अगर ये कनेक्शन कट जाए तो ये फिर हीट नहीं होगा एज ए बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो भी फिलामेंट है इसमें जो एनर्जी फ्लो हो रही है इसी करंट के द्वारा फ्लो हो रही है। तो ऐसे हमारा है ये टोटल बॉडी है, इसमें जो वायर जुड़े हैं बहुत ही बारीक, वो वायर एक वोल्टेज के रूप में हमको भी मिलते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो मैं टॉपिक इसको स्टार्ट किया हूँ इसको क्लियर करने के लिए, कि हम उसी ध्यान के माध्यम से, जैसा कि मैं अपने ही अनुभव का बात कर रहा हूँ, ये आप जब इसको अपने उसमें लाएंगे ऑप्शन में, तब आप इसको फील करके जान पाएंगे कि हम सही हैं या सही बोल रहे हैं या रॉन्ग, यानी राइट है या रॉन्ग, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये आपको अपने एक्सपीरियंस में लाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया है उसे आपको अनुभव करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि इसी के द्वारा ही आप किसी चीज़ को सेंस करोगे, समझ रहे हैं। हम इसके बाद जब हम नेक्स्ट कल सिस्टम के बारे में बताएंगे तो सिस्टम में क्या है और कैसे काम करता है, क्योंकि आपके सामने जो अपडेट वाली बात कहे हैं तो वहाँ पे जो भी कुछ अपडेट होता है, सिस्टम अपडेट होता है,
तो हम कल जानेंगे कि सिस्टम क्या है और सिस्टम कैसे काम करता है और हम कैसे किसी सिस्टम को रीड करें। अब जब सब कुछ सुनेंगे तो इसी में आपके जो आंसर हैं, इसी हमारे जो बोलने में, इसी में सब कुछ आपके आंसर के रूप में वो मिल जाएंगे। आप केवल ध्यान से सारी बातों को सुने, उसे ऑब्जर्व करें, यानी उसे फील में लाएं कि जैसे मैंने बोला कि हमारा जो, अगर किसी को संदेह है कि हम, अगर ये सब कुछ एनर्जी है, ऊर्जा है और हम अलग हैं, तो जिसको ये लगे कि हम अलग हैं वो अपना एक काम करे, ये नाक बंद कर ले और ये ओंठ बंद कर ले और देखे कि हम कितना देर हम मतलब अलग हैं। इससे अलग हैं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये जो है ये सांस मत लें, क्योंकि अगर आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब अगला जो सामने खड़ा है वो भी सांस ले रहा है और जो भी जितने लोग हैं खड़े सब लोग सांस ले रहे हैं। अगर सब लोग सोचे कि हम वो नहीं, मतलब सांस नहीं है, एनर्जी नहीं है जो इस सामने स्पेस है, तो इसका मतलब हम अलग हैं। तो अलग मतलब क्या हुआ? केवल बॉडी हुआ, क्योंकि आपको उससे कनेक्शन काटने के लिए एक दो काम करने होंगे, एक ये और एक ये, यानी डाक बंद कर लीजिए और ओंठ बंद कर लीजिए। और अगर ये बंद करने से आप बंद हो जाते हैं तो इसका मतलब आप कहाँ हो? एज ए बॉडी तो हुए, आप थोड़ा प्रयोग कर लेना, एक काम करना, फट से बंद करना है और ये बंद कर लेना, कनेक्शन कट। और यहीं साथ में सब लोग अगर हैं तो सब लोग बंद कर लें, और अगर सब लोग वही सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब सब एक ही तो हुए, क्यों? हम कल सिस्टम के बारे में बताते हैं और इसको और भी जो स्मार्ट तरीके से आपको क्लियर करेंगे विद वीडियो। तो अभी हम थोड़ा सा सब लोगों को प्लेटफार्म पे, यानी हमारे जो यूट्यूब पे अधिक से अधिक लोग आए, और हम यही प्रयास करेंगे कि इसे जैसे सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होंगे, वो किसी भी टाइम, चाहे शाम को चाहे नाइट में, तो हम अभी वही सर्च करेंगे कि कैसे कैसे कब इकट्ठा होते हैं लोग, और उसी हिसाब से हम सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे आपको, और बहुत कुछ चीज़ें विद प्रूफ आपको दिखाएंगे। आज इस वीडियो के द्वारा मैंने ये क्लियर करने का प्रयास किया है कि हम सब एक हैं। मतलब जैसे किसी चीज़ का कोर होता है, कोर में, जैसे आप किसी भी कोर में जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कि ये गुलाब का फूल, और फूल को लेकर अगर उसके जड़ से होते, मतलब वहाँ से डाल से होते हुए उसके जड़ तक जाएंगे, तो जड़ एज ए कोर, ठीक है, जब आप उसको निकालेंगे तो उसमें एक जड़ें मिलेंगी जो चारों तरफ फैली हुई हैं, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से ये क्लियर आज हो गया है कि हम क्या हैं, सब लोग एक हैं, क्योंकि हर जगह कोर पे आप जाएंगे कहीं ना कहीं तो वहाँ पे शून्य मिलेगा, कि जैसे मैंने बताया है आपको कि जैसे सब लोग हैं यहाँ पे, और अगर कोई कहे कि मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, तो वहाँ पे जो है देखा जाए तो एज ए सब लोग में जो एनर्जी है वो है। अब डिफरेंस क्या है इस चीज़ को हम समझेंगे, लेकिन ये कब समझेंगे, इसे कब हम क्लियर करेंगे, जब हम सब लोग काफ़ी संख्या में इस चैनल को मतलब वॉच करेंगे, देखेंगे, क्योंकि तभी इसमें जो है कुछ इंटरेस्ट आएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकली होगी और विथ प्रूफ और सब कुछ परफेक्ट तरीके से सामने होगा, जिसे आप अपने ही द्वारा, आप जहाँ भी हो उसे भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर आ जाएगी कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसे कैसे देखा जाए, कैसे अपडेट किया जाए, कैसे समझा जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे डिजाइन किया जाए, ये सारी बातों को एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और अधिक से अधिक लोग जल्दी से जल्दी आने का प्रयास करें। मैं इसे और भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैं आपको इसे दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है पहले से कहीं ना कहीं
समझाने बताने का प्रयास किया है, वो चाहे गाने के माध्यम से, चाहे कविता के माध्यम से, चाहे किसी को दिखाने के या लिख के बताया है, या किसी तरीके से प्रूफ करने का प्रयास किया है। सबसे मेन बात होता है एक्सप्लेन करना। अगर कोई किसी चीज़ से को एक्सप्लेन करके किसी चीज़ को सबूत दे दे, प्रूफ कर दे कि हाँ ऐजे, तो वो माइंड में परफेक्ट बैठ जाता है। इसीलिए किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में बच्चे को इस सारी चीज़ों को जब नॉलेज दिया जाए और बताया जाए, तो बच्चे का जो इंटेलिजेंस है वो और जगेगा और बढ़ेगा और तेज़ होगा और फास्ट होगा। क्योंकि हमको पहले के जो नॉलेज है, जब उसमें हमारा क्या होता है, गुरु का मतलब ये होता है कि वो टाइम को आपको बचा देता है, कि जो आप स्वयं जानने में टाइम लगाओगे तो टाइम काफ़ी ख़त्म हो जाएगा। यानी आपका जो ये लाइफ साइकिल मिला हुआ है, ये लाइफ साइकिल छोटी हो जाएगी किसी चीज़ को जानने के लिए। इस लाइफ साइकिल को जीने के लिए एक गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु क्या होता है कि बहुत सारे ज्ञान को आपके टाइम को बचा देता है, उसमें आपको टाइम जो बचता है उसमें आपको फ्लो यानी उसके आगे जानने की ज़रूरत होती है। इसीलिए सारे बुकें और सारे चीज़ों को इन्फॉर्मेशन के रूप में दिया जाता है। और जो टेक्नोलॉजी जहाँ पे इंड होती है, तो सेकंड जनरेशन आता है तो उस इंड वाले से फिर आगे उसे बढ़ाने का काम करता है। तो वो जो नेक्स्ट वाला था उसके नॉलेज को देख कर, रीड करके फिर हम आगे जो है बढ़ने का काम करते हैं। तो यही चीज़ें अपडेट के रूप में आपको बताएंगे कैसे अपडेट किया जाता है और कैसे हम इस सारी चीज़ों को समझें। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।